हेमचंद जो मेरे, ये हेमचंद जो है ये हमारी पांच पहली पांच भाई है। अच्छा अच्छा, ये हेमचंद चौथे नंबर का है। अच्छा, हेलो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। थोड़ा मास्क हटा लेता हूँ शक्ल दिखाने के लिए अपनी। तो भाई जो भी मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और घंटे भी बजा देना। तो भाई मैं आया हूँ चांदनी चौक की गलियों में। भाई आगे पीछे पूरी भीड़ हो रही है, मेरे पीछे देख ही सकते हो, ठीक है। 4 बज रहे हैं दिन के, मस्त भीड़ हो रही है। तो भाई यहाँ पर आए थे बहुत एक्सप्लोर करने के लिए। मस्त चीज़ जो देखी है वो है दौलत की चाट, ठीक है भाई। दौलत की चाट आपको यहाँ पर हर जगह मिलेगी, पर सबसे बढ़िया, ठीक है, सबसे बढ़िया मैं आपको लेकर आया हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप हेमचंद के पास ही जाओ, ठीक है। एक भैया लेकर आया हूँ मैं, मैंने अभी चखी है वो वाली दौलत की चाट, और एक नंबर है भाई, बहुत बढ़िया चाट है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पहले मिलवा देता हूँ आपको भैया से। मैं भैया कैसे हो, थोड़ा भैया तेज़ बोलना जी, ठीक है। तो आपका नाम क्या है? राकेश कुमार नाम है। भैया का नाम राकेश कुमार है। तो मैं पहले कार्ड दिखा देता हूँ। और भैया आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे एक कंवर जी भागीरथ की शॉप के सामने बिल्कुल यहाँ पे खड़े होते हैं, आपको मिल जाएंगे दौलत की चाट लेके, ये रही, बहुत बढ़िया। तो भैया एक बात बताओ, लोगों के अब अंदर ना वो आ गया है हेमचंद को लेके कि भाई वो ही खाएंगे हम, तो हेमचंद की कोई स्टोरी जो आप बता रहे थे वो क्या है भाई? सर हेमचंद जो मेरे, ये हेमचंद जो है ये हमारे पहले पांच भाई है। अच्छा अच्छा, ये हेमचंद चौथे नंबर का है। अच्छा, खेमचंद जो है ये पांच भाई थे जो इनके पिताजी थे, खेमचंद जो चौथे नंबर के हैं, तो हैं वो ये उन्हीं के ही रिलेटिव्स हैं, एक ही परिवार के हैं। तो भैया एक प्लेट लगा दो बढ़िया से फिर दौलत की चाट की। ये बनती किससे है? ये दूध से बनती सर, दूध खोया केसर पिस्ता खुरचन वगैरह दूध से जी। तो इसमें आप नमक भी डालते हो फिर दूध में? मीठा डालते हैं। ये मीठा है ये भूरा? हाँ करारा। अच्छा अच्छा, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये क्या, ये केसर है ये? और इसका प्राइस क्या है भैया? 50 का सर। एक प्लेट ना, ये देख सकते हो आप बढ़िया से। तो भैया मैं ट्राई करने वाला हूँ दौलत की चाट। भाई देखो है तो नई चीज है ना भाई, बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत बढ़िया। जो ऊपर का केसर का है ना ये बहुत लाजवाब लग रहा है। ये पिस्ता डाला हुआ है आपने ये ऊपर, और पिस्ता बहुत बढ़िया। बाकी मुझे बहुत बढ़िया लगी ये वाली राकेश कुमार की चाट भाई, एक नंबर है। अभी हम खाते हैं फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मिलते हैं फिर। स्माइल कर दो भैया एक बारी। ये भाई पसंद आ गई, पसंद आ रही है ना, बढ़िया है ना भाई, देख सकते हो पूरी भीड़ है यहाँ पे। ये वैसे लोकेशन क्या पड़ती है भैया यहाँ पे जहाँ आप खड़े हो? क्या है ये? गली पराठे वाली है ये, गली पराठे वाली तो इजी रहेगा यहाँ पे आने के लिए। तो भीड़ देख सकते हो यहाँ पे आपको भैया मिल लेंगे, पराठे वाली गली यहाँ पे लिखा होगा भाई। बहुत बढ़िया लगी यार मेरे को, मतलब मैंने कुछ नई चीज़ ट्राई करी है यहाँ पे दौलत की चाट, और आए तो राकेश कुमार बाबू राम के पास ही आए यहीं पर ही खाने के लिए। देख सकते हो भाई भीड़ बहुत है यहाँ पे खाने के लिए। ये रहा मेरा आज का ब्लॉग जो है दौलत की चाट राकेश कुमार बाबू राम के पास, भाई बहुत बढ़िया लगी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था यहाँ पे, खा के मज़ा आ गया, मैंने नई चीज़ ट्राई करी है। आप भी आओ यहाँ पे ट्राई करो, 50 रुपये इसका प्राइस है, एड्रेस मैंने बता दिया है, बाकी इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। बहुत बढ़िया है भैया, अगर भैया से मिलकर बहुत मज़ा आ गया भाई, भैया बहुत बढ़िया है यार, ठीक है। उन्होंने अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताई कि भाई क्या कहते हैं, 5 भाई थे तो उन्हीं के रिश्तेदार हैं ये। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं अगली किसी गली में, बाय।